चैनल स्नेकर्स क्रीम क्लास में स्वागत है। अभी सुबह 8:30 बज रहा है और हम यहाँ पर कोड़ी सास प्राथमिक शाला में हमें बताया गया कि कमरे के अंदर एक सांप है। तो जिस तरह से यहाँ पर दरी भी बिछा हुआ देखिए और यहाँ एक टाइम में 35 से 40 बच्चे बैठते हैं। अगर वो बच्चे बैठते यहाँ पर तो कोई ना कोई सांप के शिकार बन जाते हैं। तो चलिए हम सांप को सही सलामत रेस्क्यू करते हुए लास्ट स्टूडियो में रहेंगे। देखो ऊपर से चढ़ेंगे ये देखिए यहाँ पर ये सांप बैठा हुआ है और ये सांप रेस्क्यू हो गया। ये पौड़ी सासमिक प्राथमिक शाला पौड़ी सा जो कि यहाँ पर जो शिक्षक महोदय अभी यहाँ स्कूल में घुसे थे खोल के कौन टीचर थे जो अंदर गए थे? सर आपका शुभ नाम? सर धीरेन्द्र सिंह भदौरिया। धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ये जब क्लास खोले तो क्लास के रूम के अंदर देखें कि एक सांप बैठा हुआ, अगर ये अगर अलर्ट नहीं होते और हमें इन्फॉर्म नहीं करते तो शायद अभी 30-35 बच्चे जो क्लास के अंदर बैठते हैं कोई ना कोई एक सांप का शिकार बन जाता। तो आपको मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा और मैं इस सांप से रिलेटेड एक जानकारी देना चाहूँगा कि भाई ये कौन सा सांप है? गौवा। तो इसको हम बताना चाहेंगे, इसका इंग्लिश नाम जो है स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल मीन्स माने इसके पीछे जो देखिए चश्मा बना हुआ है, ये चश्मा बना है तो उसको स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि चश्मे को इंग्लिश में स्पेक्टिकल कहा जाता है और हिंदी में नाम है गेहुआन नाग डोमी, सब इसी का नाम है। और इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसके काटने से हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो प्लीज़, और हाँ तो दूसरी बात ये भी बताऊँगा मैं कि सबसे ज़्यादा सांप का सर्पदंश का शिकार हमारे ग्रामीण भाई होते हैं, शहर के लोग नहीं होते, क्योंकि हमारे ग्रामीण भाई जो है खेती किसानी करते हैं और जंगलों से जुड़ा उनका घर द्वार रहता है तो इस वजह से वो शिकार बनते हैं। तो उनमें ये आज भी भ्रम फैला हुआ कि सांप काटने से झाड़ फूक देसी इलाज बाबा बैगा जान बचाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपके ही गाँव के एक सरपंच जिनको नाग सांप काटा था इस दुकान पर, उसको एक बैगा रोक रहा था, विरोध कर रहा था कि नहीं उसको लेके मत जाइए, मेरा गांव का इज्जत का सवाल है। उसको फिर मैंने हॉस्पिटल ले गया था, महादेव हॉस्पिटल, उसकी जान बच गई। इसी गांव की शायद कोई 20-21 साल की लड़की, उसको कोई बैगा जाने नहीं दिया, वो लड़की मर गई थी। और इस गांव से दूर एक कौन सा गाँव था, नंगाड़ाडीह, जो 25 साल की शांति बंजारे, हाल ही में उसको हमने बैगा से रुकवा के हॉस्पिटल भिजवाया था, आज वो जीवित है। तो कहने का मतलब सांप काटने से आपकी जान डॉक्टर ही बचा सकता, कोई बैगा बाबा नहीं बचा सकता, और कोई देसी इलाज और सांप के जहर से बना एंटीवेनम, इसके जहर से जो विषरोधी दवा जो बनता है वही जान बचा सकता है। तो प्लीज़, और सर्पदंश में सबसे बड़ा खेल होता है किसका? समय का। आप जितना कम समय नष्ट करेंगे गंवाएंगे, जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे आपकी बचने की उम्मीद उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे हार्ट तक फैल जाएगा, ब्रेन तक चले जाएगा, तो आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता और कोई एंटीवेनम सांप के जहर से बना। तो अब मैं अंत में कहना चाहूँगा कि जब भी सांप काटे आपको कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। फर्स्ट एड कैसे करना है? पट्टी बांधते हुए टाइट नहीं बांधना है और आपको कोई जड़ी बूटी नहीं खाना, कोई चीरा नहीं मारना, चीरा मारने के चक्कर में काटने के चक्कर कहीं मेन नस काट दिया उससे पहले आपकी मृत्यु हो जाएगी। टाइट नहीं बांधना, जैसे पैर हाथ पर में मोच आता है उसी विधि में बांधना है। तो और इतना करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है, मरीज को भागने दौड़ने देना नहीं है, चुपचाप एक जगह शांत बैठना है और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है। इतना करेंगे उसकी जान बच जाएगी, दौड़ेगा भागेगा हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तेज़ी से जहर भी फैलेगा, इतना ही करना है। और उसके बाद दूसरा चीज़ कि अभी इधर प्लीज़ थोड़ा सा जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाओ बहन, आ जाओ आप। ये बहन जी है, यहाँ जो बच्चे स्कूल में है उनको मध्याह्न भोजन जो कराते हैं उसको बनाती है। तो ये अभी इनके लिए फल लेके आई है और दूध लेके आया है, दूध को उठा के दो बेटा। तो ये मैं बताना चाहूँगा, सांप दूध नहीं पीता है,
सांप पैदासी मांसाहारी है, ये दूध नहीं पीते हैं, अगर आप इसको दूध पिलाएंगे तो उसके लीवर में इन्फेक्शन होगा, उसको बुखार होगा, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप बोलते हैं सपेरा तो दूध पिलाते हैं, सपेरा इनकी 12 बजा देते हैं, इसके जहर की थैली काट देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, 5 से 6 महीना बचते हैं उनको जबरदस्ती। जब उनको दूध पिलाया देता है सपेरा हमसे पैसा ऐंठ के, तो उससे ये पानी की मात्रा लेने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप इनको मारिए मत, सांप दूध नहीं पीता है, पैदासी मांसाहारी है, और ये आपकी आस्था है तो मैं आपकी आस्थाओं को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। आप दूध लाए हैं तो दूध तो किसी को है ना, हाँ तो आपके बार आपके आगे से आपको दूध नहीं पिलाना है। तो आप दूध तो लाए हैं, हम रात के 1:30 बजे आए हैं, तो भैया उसका रात भर रेस्क्यू कर रहे हैं, तो ये दूध तो फेंकना नहीं, मैं पी जाता हूँ। और ये फल फ्रूट भी लाए हैं, तो ये तो खाएंगे नहीं बेचारे, तो रात हम लोग रात के यकीन नहीं मानेंगे, 1:30 बजे आए रेस्क्यू करके 112 के साथ, तो रात के 1:30 बज गया, आते आते घर पहुंचते 2 बज गया, तो हमको भूख लगा था, खाना नहीं खाया, खाना पड़ा है, तो हम क्या किए हैं भैया, पानी पी के सो गए। तो धन्यवाद बहन जी, आपने फल दिया, फल को भी मैं खा लूँगा। ये भैया क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। ये मैं स्पेशली लक्ष्मीकांत को कहना चाहूँगा, गाँव में कोई भी तकलीफ में आते हैं तो ये सबसे पहले मुझे अलर्ट करते हैं कि चाहे रात के 2 बजे 3 बजे, और इनके द्वारा मैं कई बार लोगों को बचा के सांप को पकड़ के ले गया। 112 का सर्विस बहुत अच्छा लगा मेरे को, कम से कम पुलिस के सहयोग से और रेस्क्यू हुआ तो अच्छा लगा मेरे को जी। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, किसी की हेल्प करते हुए, किसी की जान बचाते हुए, किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर, बोलिए जी। हाँ, बिलासपुर स्नेक टीम से बोल रहा हूँ। हरदी हिरी मांस के आगे, हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक ठीक मैं आ रहा हूँ। कितना बड़ा है? चलिए चिंता मत करिए, हम पहुँच रहे हैं।